नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया की सिम आपके मोबाइल में लगी हो तो उसका नेट अगर आपका स्लो चल रहा है तो उसको कैसे स्पीड में बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है मोबाइल की। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड सेटिंग के अंदर स्विच करना है। सिम कार्ड सेटिंग के अंदर जैसे आप स्विच करेंगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट स्लॉट सेकेंड स्लॉट आपको दिखेगा। आप सिलेक्ट कर लो कौन से वाले सिम कार्ड के अंदर आपको नेटवर्क सेटिंग करना है। अगर मैं सेकेंड स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं सेकंड स्लॉट सिलेक्ट करूँगा, और फर्स्ट स्लॉट करना है तो मुझे फर्स्ट स्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है प्रीफर्ड नेटवर्क जो है LTE पर होना चाहिए। इसके बाद मुझे देखना है मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर ऑटोमेटिक होना चाहिए। देन मैं इसके बाद फिर चेक करूँगा यहाँ पर ये LTE पर ठीक है कि नहीं है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और चेक कर लूँगा जिसको बोलते हैं डाटा रोमिंग। हर किसी के मोबाइल में आपको डेटा रोमिंग का ऑप्शन दिखेगा। डेटा रोमिंग को हमको ऑन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाटा रोमिंग की वजह से 4G कई बार नहीं आता, तो इसको हमेशा ऑलवेज पे क्लिक करके रखें। मैंने यहाँ पर डेटा रोमिंग ऑन कर दिया है। और इसके बाद अब मैं मोबाइल के अंदर फिर मैं आया सिम कार्ड स्लॉट के अंदर एक्सेस पॉइंट नेम, इसको हमें सबसे ज़्यादा चेक करना है। एक्सेस पॉइंट नेम जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा होगा वोडाफोन मोबाइल कनेक्ट, तो मुझे यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम या तो फिर मैं यहाँ से एक न्यू APN बनाऊँगा और यहाँ पर नेम में मैं लिखूँगा एंटर करूँगा इंटरनेट। आई स्मॉल में रहेगा स्टार्टिंग से ही और सारे लेटर इसमें स्मॉल में रहेंगे। इसके बाद फिर मैंने APN में भी इंटरनेट लिख दिया। ये मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा, सिर्फ नेम में इंटरनेट और APN में इंटरनेट कर दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पर टच कर दूंगा तो इससे क्या रहेगा, ये वाला इसका इंटरनेट सेटिंग, इसमें जो हम नेट की सेटिंग कस्टमर केयर से 198 से मंगवाते हैं, ये सेटिंग यहाँ पर इंटरनेट की सेव हो चुकी है। अब मैं बाहर आ जाता हूँ। एक बार अगर आपको लगता है तो आप मोबाइल को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली फ्लाइट मोड पर डाल के हटा देना है आपको, और इसके बाद मोबाइल के नेट को ऑफ करना है और देन इसको चालू करना है। अब आप जाके देखेंगे किसी भी चीज़ को, आप जैसे एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब की बात करता हूँ तो ये देखिए मैंने यूट्यूब चालू किया और यहाँ पर मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें चलने लग गई हैं विदाउट एनी इंटरप्शन के, और नेट पूरा प्रॉपर चल रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया को इस तरीके से आप इसका नेट का स्पीड आप बढ़ा सकते हो और इस तरीके से आपका ये चलने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। इसकी एक और प्रोसेस मैं आपको दूसरे मोबाइल में करके दिखा देता हूँ और इसमें भी आपको सेम ही तरीका रहेगा। हर मोबाइल्स में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।